नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम संघ के महामंत्री व भाजपा दिल्ली के कार्यकारिणी सदस्य जोगिंदर खट्टर के पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र खट्टर जी की पुण्य स्मृति के अवसर पर पारंपरिक सामवेद पारायण यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने जोगिंदर खट्टर से बातचीत की है। पुत्री ने किया, एक बार तालियों के माध्यम से हम उनका अभिनंदन करेंगे। अभी आचार्य जी बता रहे थे कि अपने माता पिता की स्मृति को और आगे बढ़ाना, यश को और आगे बढ़ाना, उनके नाम को और आगे बढ़ाना, तो साक्षात जो है हमारी बहन सुषमा जी इस कार्यों को कर रही है। मध्य प्रदेश के थानला में एक बहुत बड़ा विद्यालय बनने जा रहा है, जो इन्हीं के माध्यम से और इन्हीं के सहयोग से वो विद्यालय बन रहा है। ना केवल वो बल्कि सिक्किम में भी एक बहुत बड़ा विद्यालय आर्य समाज और उसके साथ साथ गुरुकुल, वो भी हमारी बहन जो है सुषमा जी के माध्यम से वो बन रहा है। तो महाशय जी के कार्य को वो आगे बढ़ा रही हैं, मैं उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में श्री भारत भूषण मदान जी उपस्थित है, कृपया मैं उनसे अनुरोध करूंगा आगे आ जाए मंच के पास। आदरणीय श्री भारत भूषण मदान जी, आओ ना। बहुत सरल स्वभाव है भारत भूषण मदान जी का, और जिला करोल बाग भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से करोल बाग जिले के ये खट्टर साहब, किस तरह का आयोजन किया गया था यहाँ पर? वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। जयसवाल जी, आज मेरे पिताजी श्री रामचंद्र खट्टर जी की स्मृति में हमने इस यज्ञ का आयोजन किया है। 1984 में उनका देहांत हुआ और 1985 से हम लगातार इन कार्यों को करते चले आ रहे हैं। 39वां आयोजन इस सामवेद का पारायण यज्ञ आज हमने किया। 1875 मंत्रों की हमने आहुति दी और इसके साथ साथ सभी परिवार के, सभी आसपास के, सभी पड़ोस के, सभी संस्थाओं से यहाँ पर हमारे जो है जनप्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने सबने मिलकर के हमारा साथ दिया इस पूरे आयोजन में। इसके लिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारी रानीबाग क्षेत्र की निगम पार्षद श्रीमती ज्योति अग्रवाल जी, सरस्वती विहार से निगम पार्षद श्रीमती शिखा भारद्वाज जी, और इसके साथ साथ हमारे जिले के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र गोयल जी, नरेश मलिक जी, गीता गुलाटी जी, शशिधर जेतली जी, सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आसपास की सभी आर्य समाजों से, शादरा से भी सभी आर्य समाजों से लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के उन सब ने मेरा उत्साह बढ़ाया, हमारे परिवार का उत्साह बढ़ाया। इसके लिए हम सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं और ईश्वर इस प्रकार के कार्यों को करने की हम हमारे परिवार को शक्ति देता रहे, ऐसी मैं परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसको लेकर क्या अपील? देखिए, पूरा सभी पूरे क्षेत्र में जोश है इस कार्य को लेकर के, और हिंदुओं को मजबूत करने के लिए हम सब लोग कार्यरत हैं, और हमने पूरे क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, सबको उत्साहित करने के लिए 20 तारीख को भी कार्यक्रम रखा, 21 तारीख को जो है हमने आर्य समाज रानीबाग में कार्यक्रम रखा, शाम के समय भजन संध्या, इसके बाद लंगर की व्यवस्था, और इसके साथ साथ सभी मंदिरों में इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि इस समय हिंदू एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के इन कार्यों को आगे बढ़ाए, अपने धर्म की रक्षा करे, यही मेरी सभी आसपास के और सभी हिंदू धर्म के अनुयायियों से अनुरोध है कि श्री राम के चरित्र को अपनाएं, उनके आदर्शों पर चलते हुए हम लोग अपना जीवन यापन करें, यही मेरी आप सबसे अपील है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।